नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। अंतरिक्ष में भारत के नए युग की शुरुआत कर दी है। इसरो देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च कर दिया है, जिसकी लॉन्चिंग श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रशाला से हुई। ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देने का काम करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत का अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान। इसरो ने पहली बार प्राइवेट रॉकेट किया लॉन्च। भारत की ताकत को दुनिया ने किया सलाम। विक्रम साराभाई के नाम पर लॉन्च हुआ रॉकेट। रॉकेट का वजन है 545 किलोग्राम। रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक के लगे हैं इंजन। भारत ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा है, जिससे भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। जी हां, इसरो ने देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण किया, जिसके बाद भारत का नाम उन देशों के साथ जुड़ गया है जो प्राइवेट कंपनियों के रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं। गौरतलब है कि इसरो ने अंतरिक्ष में विक्रम एस को लॉन्च कर भारत में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई। बता दें कि रॉकेट विक्रम एस को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसके मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, जो देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। ये देश के अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र में प्रवेश दिलाएगा, जिस पर हमेशा से सिर्फ सरकारी प्रभुत्व वाले इसरो का राज रहा है। दरअसल विक्रम एस के इस मिशन में चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप एन स्पेस टेक और आर्मेनिया स्टार्टअप बाजू में क्यू स्पेस रिसर्च लैब के 3 पेलोड ले जाए गए हैं, जिनमें से स्पेस किड्स का सैटेलाइट 2.5 किलोग्राम का है, जिसे बनाने के लिए अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सेशेल्स और भारत के बच्चों की मदद ली गई है। इस सैटेलाइट को बच्चों ने वैज्ञानिकों के गाइडेंस में बनाया है। इस सैटेलाइट का नाम फनसैट है। इस सैटेलाइट में 80 से ज्यादा पार्ट्स हैं। और अगर हम विक्रम एस की खूबियों के बारे में बात करें तो इस रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है, जिसका व्यास 0.75 मीटर है। ये उड़ान भरकर 83 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है। इस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं। 3D क्रायोजेनिक इंजन, जो कि आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में काफी अच्छा होता है, जिनका परीक्षण पिछले साल नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड की टेस्ट फैसिलिटी में किया गया था। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसका मिशन प्रारंभ देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। फिलहाल अभी स्काईरूट कंपनी के पास 3 तरह के रॉकेट बनाने की योजना है। विक्रम 1, 2 और 3 सस्ती लॉन्चिंग की है, जिसकी वजह से इसके ईंधन में बदलाव भी किया गया है। ये आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद ली गई है, जो काफी किफायती और प्रदूषण मुक्त होता है। और इसका मिशन प्रारंभ देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।